उत्तर प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर करोड़ों की योजनाएं बनाकर प्रदेश में लागू कर रही है, लेकिन जनपद स्वास्थ्य विभाग प्रदेश सरकार की मेहनत और योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहा है। जहां जिला अस्पताल में बीमार 6 बच्चों को एक नर्स ने गलत तरीके से इंजेक्शन दे दिया, जिससे सभी 6 बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिसमें एक मासूम बच्चे की अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को गंभीर हालत में कानपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और स्टाफ नर्स द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लापरवाही के कारण ये बच्चों को इंजेक्शन या एक्सपायरी डेट हो या डोज ज़्यादा हो इन बच्चों को दे दिया गया, तो एकदम ये बच्चे बेचैनी से कफाने लगे और वहाँ से बस कहने लगे कि ले जाओ इमरजेंसी, ले जाओ नीचे, ले जाओ। और नीचे आते आते एक बच्चा एक्सपायर हुआ। बच्ची कितने बच्चे भर्ती हुआ था? इमरजेंसी से भर्ती हुआ था, बड़ा सीरियस बच्चा था, बायलेटरल निमोनिया और क्रैम्प्स भरे हुए थे उसके चेस्ट में, सेप्टिसीमिया भी था उसको, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से उसकी बच्ची की मौत।